स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है रात्रि में 10 बजे। हिंदी साहित्य में संपूर्ण कवियों का जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जो भी टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 इसमें प्रश्न होंगे इस टेस्ट सीरीज में, और ये जो टेस्ट सीरीज है संपूर्ण कवियों की, ये मिलेगी आपके लिए हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लें और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि छ वर्ण का उच्चारण होता है, ये आपसे बताना है कहाँ से होता है, कंठ से या फिर मूर्धन्य से, तालु से या फिर ओष्ठ से। क्या होगा सही राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। संजू जी, आचार्य, सुशील जी और मिथिलेश जी, मंजू जी सभी लोग चयन करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। क्या है राइट आंसर? बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, यानी कि तालु से, चा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से होता है। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से एक निबंध सरदार पूर्णसिंह का नहीं है, चिन्हित करना है, वह निबंध कौन सा नहीं है, बताइए। सभी लोग बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। और सभी लोग, मुकनाथ जी, अंजलि जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है, सरदार पूर्णसिंह का जो निबंध नहीं है वह कौन सा नहीं है, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही राइट आंसर है, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति आपका सही राइट आंसर। आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सरदार पूर्णसिंह ने कितने निबंधों की रचना की है, ये पूछा जाता है, कमेंट में बताइएगा। आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, 3 में सभी लोग चयन करेंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही राइट आंसर, आनंद रघुनंदन, चयन कीजिएगा। भारतीय संस्कृति आपका, तो यहाँ पर महाराज विश्वनाथ से हैं या रघुराज से हैं, रघुवीर सहाय हैं, राजा लक्ष्मण से हैं, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 3 में, जिन्होंने भी चयन किया है ए, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, यानी कि महाराज विश्वनाथ से आप सभी का सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया अनिल जी, तनु जी, बहुत सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है, सरदार पूर्णसिंह ने 6 निबंधों की रचना की है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं, क्या पूछा गया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को कहा है, आदिकाल को इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है, चारण काल कहा है, प्रारंभिक काल कहा है या बीज वपन काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। क्या होगा सही राइट आंसर मुनीश जी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को कहा है, तो क्या कहा है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि इन्होंने चारण काल कहा है, विकल्प भी जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा निम्नलिखित में से एक एकांकी के लेखक नहीं है, वह एकांकी आपके लिए बताना है, चारुमित्रा, दीपदान, कुणाल या फिर बहू की विदा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी लोग सही राइट आंसर चयन करेंगे, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। एक एकांकी के लेखक जो है रामकुमार वर्मा जी नहीं है, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर, क्या होगा सही राइट आंसर 5 में, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर होगा, बहू की विदा। बहू की विदा ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने भी डी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर। नीतू जी बिल्कुल सही, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे 6 दिया गया, यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी साहित्य में किस ब्रह्मी के ब्रह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा गया है, बताइएगा।
चयन कीजिएगा प्रिय प्रभास की राधा के विरह वर्णन को, जायसी की नागमती के विरह वर्णन को, साकेत की उर्मिला के विरह वर्णन को, या कृष्ण के प्रति मीरा के विरह वर्णन को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है जायसी की नागमती के विरह वर्णन को। विकल्प नंबर बी वाला जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही। जिन्होंने बी चयन किया है रेखा जी पार्वती जी उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 7 ऊंचा क्या है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में निम्नलिखित में से एक नहीं है, भट्ट लोलट नहीं है, संकोक या फिर अभिनव गुप्त या नंद किशोर आचार्य। सुनित जी बिल्कुल, तो आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तन्मय जी लवली जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है और 7 में आप सभी का यहाँ पर सभी लोग डी बता रहे हैं कि नंद केश्वर है, नंद केश्वर है जो कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में शामिल नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने डी चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 8 पूछा गया है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, 8 में सही राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन माना जाता है जो कि पूछा जाता है, महत्वपूर्ण कथन है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 9वां क्वेश्चन है कि भ्रमर शब्द के निम्नलिखित पर्यायवाचियों में से एक अश्वद्ध है, अश्वद्ध आपके लिए बताना है कौन सा माना जाता है, चयन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही राइट आंसर। भ्रमर शब्द के यहाँ पर पर्यायवाची दिए गए हैं और उनमें एक अशुद्ध भी दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही राइट आंसर आप सभी का होगा कि चंचरीक है, दुरेप है, मधुरे मधुकर है, ये तो है माधव, आप सभी का सही राइट आंसर है, ये अशुद्ध है। विकल्प नंबर आपका जो 4 होगा वह सही राइट आंसर यहाँ पर, विकल्प नंबर डी वाला जो है सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, ये जो है भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे 10 पूछा गया, निम्नलिखित कहानियों में से एक कहानी अमर कांति की नहीं है, वह कहानी आपके लिए चयन करना है, गगन बिहारी, घुड़सवार, दोपहर का भोजन या फिर पान का पत्ता, बताइए। तो इन कहानियों में से आपके लिए बताना है एक कहानी अमर कांति की नहीं है, 10 का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर जो डी है वह सही राइट आंसर है, पान का पत्ता यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4 होगा सही राइट आंसर, डी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया यहाँ पर देखिएगा, 11वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं यहाँ पर, देखिए क्या होगा सही आंसर। ये आपके कूट भी यहाँ पर दिए गए हैं, एक बार कूट देख लें, इन कूट की सहायता से आपको सम्मिलित करना है। 11वां क्वेश्चन है और आप सभी का देखते हैं यहाँ पर, जगन्नाथ जी की रचना कौन सी मानी जाती है, तो ये तो सभी के लिए पता होगा परमाल रासो जगन्नाथ जी की है रचना, रस कलश की रचनाकार कौन मानी जाते हैं, तो ये हरिवत जी की रचना है, वैराग्य संदीपनी ये रचना तुलसीदास जी की मानी जाती है, और जो है नाभादास जी की रचना मानी जाती है भक्तमाल, इस प्रकार जो है यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। विकल्प नंबर आपका कोड में जो 1 है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 12 पूछा गया है, चारू चंद्र की चंचल खिरणें खेल रही थी जल थल में,
स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। इस काव्य पंक्ति में प्रकृति चित्रण है, उद्दीपन रूप में, आलंबन रूप में, उपदेश ग्रहण रूप में या फिर मानवीकरण रूप में। 12 का सभी लोग सही आंसर चयन करेंगी, क्या होगा सही राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 12 में विकल्प नंबर जो यहाँ पर दिया गया है बी, आप सभी का सही राइट आंसर है आलंबन रूप में। आलंबन रूप में आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर, 12 का सही राइट आंसर बताना है तो यहाँ पर आप सभी का क्या है सही राइट आंसर 12 में डी होगा सही राइट आंसर मानवीकरण रूप में, ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर 12 का आपका। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये जो है आलंबन रूप में होगा सही राइट आंसर। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 13 पूछा गया है, जहाज का पंछी उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइए। जहाज का पंछी कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 13 यहाँ पर पूछा गया है और 13 का सही राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र। तो जो है अपन ने इसको याद भी करा था कि जहाज का पंछी जो है जोश में आ गया, जहाज का पंछी जोश में आ गया, तो जोशी आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है बी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा इला चंद जोशी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सदैव शब्द में संधि आपके लिए चयन करना है, कौन सी संधि है सदैव शब्द में बताइए, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, सभी लोग बताएंगे कौन सी संधि है, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर गुण संधि। तन्मय जी, संगीता जी और बिल्कुल सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है कि 14 में विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, इसमें वृद्धि संधि आप सभी का सही आंसर है। सदैव शब्द में संधि कौन सी है, वृद्धि संधि, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है वह आपके लिए बताना है, कौन सा युग्म सही नहीं है। ऋजु का वक्र, कुटिल का सरल, उपयोग का सतुपयोग या फिर सार का निस्सार। और आप सभी का सही राइट आंसर है एक युग्म जो है सही नहीं है विलोम की दृष्टि से। 15 में आप सभी का जो सी है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि उपयोग का सदुपयोग, ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर यहाँ पर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर, कलम का सिपाही नामक रचना किसकी मानी जाती है। इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग से बन जाएगा बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। कलम का सिपाही नामक रचना किसकी जीवनी है, सर यहाँ पर जीवनी पूछा है, किसकी जीवनी है बताइएगा। 16वां क्वेश्चन है और 16 में आपका सही राइट आंसर है, कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय माने जाते हैं। किसकी जीवनी है, तो प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित रचना मानी जाती है जीवनी, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 16 में जो सही राइट आंसर है वह बी होगा राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर पूछा है किसकी जीवनी है, यानी कि किसके जीवन पर आधारित है, तो बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगर ये पूछा जाते किसकी रचना है, तो अमृत राय जी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आनंद मठ रचना के लेखक कौन माने जाते हैं। 17 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, सालू जी, रामबीर जी, पिंकी जी, क्या होगा सही आंसर, रविंद्रनाथ ठाकुर है, शरत चंद चटर्जी है या फिर बंकिम चंद चटर्जी है या तारा चंद्र बनर्जी है, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है,
और शेयर भी करते हैं सभी लोग वीडियो को एक बार, ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। तो सभी लोग एक बार शेयर भी कर देंगे। और आप सभी का 17 का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जो 17 में सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। आनंद मठ पूछा है, रचना के लेखक आपसे पूछा है, सी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर यहां पर होगा। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी, आप सभी का यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर अगला क्या पूछा गया है, 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक रचना महादेव वर्मा की नहीं है, नहीं आपके लिए बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर। मेरा परिवार, पति के साथी, क्षणदा या फिर सामधैनी। सामधैनी चयन कीजिएगा, 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि एक रचना महादेव वर्मा की जो नहीं है वह कौन सी नहीं है, वह डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। सामधैनी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है वह विकल्प आपका सही आंसर होगा, सामधैनी राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे 19 पूछा गया है, तुलसी के काव्य का दार्शनिक आधार आपके लिए बताना है, दार्शनिक आधार क्या है बताइए। चयन कीजिएगा, अद्वैतवाद है, एकेश्वरवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है। 19 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा मुस्कान जी। तुलसी के काव्य का दार्शनिक आधार पूछा गया है और 19 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद आप सभी का सही राइट आंसर है। तो तुलसीदास जी कैसे विशिष्ट हैं, विशिष्ट उनके काव्य का आधार भी जो है दार्शनिक आधार विशिष्टाद्वैतवाद है। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली का सही अर्थ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर। सभी लोग चयन करेंगे बताइए, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, 20वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है होगा 20वें विकल्प नंबर जो यहां पर ये दिया गया है, संबंधी अभिवार समान स्तर वालों से करना ही अच्छा होता है। तो विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, दाल भात शब्द में समास बताना है, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीही, द्वंद या फिर कर्मधारय। दाल भात सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, 21वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि दाल और भात। दाल भात यानी कि द्वंद समास आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया यहाँ पर सी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, द्वंद समास आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। ठेठ हिंदी का ठाट के लेखक कौन माने जाते हैं, इस रचना के लेखक बताना है, बताइएगा। रामदास मिश्र है, हरियोद है, श्रद्धा राम फिल्लौरी है, अजय मित्र है। ठेठ हिंदी का ठाट और 22 का सही राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर होगा कि विकल्प नंबर जो यहाँ पर दिया गया है 22 में बी हरियोद, वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। हरियोद जी की रचना मानी जाती है ठेठ हिंदी का ठाट, सभी लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक उपन्यासकार आदर्शनोमुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, कौन है भाई, आपको चयन करना है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं या फिर यहाँ पर यशपाल हैं, प्रेमचंद्र हैं या भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं। 23 का सही राइट आंसर चयन करना है और 23 में सभी लोगों ने यहाँ पर सी राइट आंसर लगाया है कि प्रेमचंद्र जी जो हैं ये एक आदर्शनोमुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं, साहित्य उद्यान जी, रश्मि जी, क्या होगा सही राइट आंसर। मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक चयन करना है सभी के लिए, रांगी राघव है, भगवती चरण वर्मा है, यशपाल है या रामदास मिश्र है।
24वां क्वेश्चन है और 24 का आप सभी का सही राइट आंसर विकल्प नंबर एक सही आंसर है, यानी कि रांगे राघव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रांगे राघव जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सही राइट आंसर है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन है, नवीन कहानी आंदोलन को समानांतर कहानी नाम देकर प्रारंभ किया, किन्होंने प्रारंभ किया, यशपाल ने, कमलेश्वर ने, राजेंद्र यादव ने या मन्नू भंडारी ने, बताइए। 25 का सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है आप सभी का, नवीन कहानी आंदोलन को समानांतर कहानी नाम देकर प्रारंभ किया है किन्होंने, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 25 में विकल्प नंबर बी यानी कि कमलेश्वर ने। कमलेश्वर आप सभी का विकल्प नंबर दो जो है वह आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर होगा। आलोक जी और पायन जी, राखी जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधेर नगरी ये एकांकी विधा की रचना मानी जाती है, इसके लेखक आपके लिए बताना मुंशी प्रेमचंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, रांगी राघव है या मोहन राकेश है। 26 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। अंधेर नगरी एकांकी के लेखक आपसे पूछा गया है और संजू जी आप सभी का सही राइट आंसर है भारतेंदु, अंधेर नगरी विकल्प नंबर एक आप सभी का सॉरी बी राइट आंसर होगा, बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहां पर चयन किया है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, उनका सही राइट आंसर यहां पर होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं कि नाटक को पांचवा वेद मानने वाले हैं, बताइए कौन है, चयन करना है, नागानंद है, भास है, भरत मुनि है या शारदानंद है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 27 में आप सभी का सी राइट आंसर आ रहा है कि भरत मुनि आप सभी का सही आंसर है। भरत मुनि जो है इन्होंने नाटक को पंचम वेद मानने वाले माने जाते हैं भरत मुनि, तो विकल्प नंबर तीन आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28वां क्वेश्चन है, प्रसाद की एकमात्र एकांकी का नाम बताना है, कौन सी मानी जाती है इनकी एकमात्र एकांकी। लाइक कर लीजिएगा सभी लोग वीडियो को, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करते जाइएगा और शेयर भी कर दे वीडियो को ताकि सभी लोग इस लाइव क्लास से जुड़ जाएं। और आप सभी का सही राइट आंसर है क्या, राइट आंसर तो 28 का सही आंसरों का विकल्प नंबर सी यानी कि एक घूंट आप सभी का सही आंसर होगा। शिल्पा जी विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है एक घूंट, उनका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। चतुष्पद शब्द में समास बताना है, कौन सा समास है बताइएगा, द्वंद समास है, द्विगु या फिर तत्पुरुष या कर्मधारय, चयन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29 में क्या होगा आप सभी का सही आंसर। चतुष्पद शब्द में समास आपसे पूछा गया है और 29 का आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी यानी कि द्विगु समासेस में, द्विगु समास आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 30 पूछा गया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में, इस पंक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं। 30 में सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, बताइए, पंत है, प्रसाद है, निराला है, हरिओद है, इसके लेखक आपसे पूछा गया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में और इसके लेखक बी वाला विकल्प बिल्कुल सही, सभी लोग बता रहे हैं ये प्रसाद जी की पंक्ति मानी जाती है, जयशंकर प्रसाद आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अर्ध कथानक के लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का सही राइट आंसर बताना है, अर्ध कथानक जो कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है अर्ध कथानक, शांति प्रिय दुबे यहाँ पर शांति जैन है, बनारसी दास जैन है, महादेवी महादेव जैन है या जैनेन्द्र जैन है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर।
अर्धकथानक के लेखक आपसे पूछा गया है और विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। बनारसी दास जैन की आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथानक, हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। 1641 इसका प्रकाशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज आपसे पूछा गया है लैटिन भाषा, स्पेनिश, फ्रांसीसी या फिर ग्रीक। 32 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग, क्या है सही राइट आंसर? और 32 में सभी लोग चयन कर रहे हैं कि विकल्प नंबर यहां पर सी राइट आंसर लगा दीजिएगा, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आप सभी का सही आंसर है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द माना जाता है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कर शब्द के लिए निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर? कर शब्द का बताना है हाथ, किरण, करना, कान। 33 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा भारद्वाज जी? और बिल्कुल सही राइट आंसर है कर शब्द के लिए निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है। 33 का सही राइट आंसर होगा डी, यानी कि आप सभी का सही आंसर है कान। कान नहीं है, डी वाला विकल्प। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। मात्रा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 में आपके लिए बताना है वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, ब्राह्म चिन्हों को, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को, उपर्युक्त में से किसी को नहीं। 34 का सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? क्या होगा सही राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का? और सभी लोग विकल्प नंबर सी बता रहे हैं, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, तो विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है ममता जी वह सही राइट आंसर यहां पर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही आंसर है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया 35 कि निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? निस, निर, दुस, रव, क्या होगा सही आंसर? इनमें से आपको एक उपसर्ग नहीं बताना है, कौन सा नहीं है? और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 में विकल्प नंबर, क्या राइट आंसर 35 में सभी का सही आंसर होगा रव। रव आप सभी का डी वाला विकल्प जो है ये उपसर्ग नहीं है, बाकी के निस, निर, दुस ये जो है सभी उपसर्ग दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 36वां क्वेश्चन है कि माटी की मूर्ति रचना के लेखक कौन माने जाते हैं? जगदीश चंद्र माथुर हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, महादेवी वर्मा हैं, डॉक्टर महेंद्र जैन हैं। 36 का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और आप सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर माटी की मूर्तियां रचना के लेखक पूछा गया है, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी माने जाते हैं। कई बार इस क्वेश्चन को अपन ने पढ़ा भी है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही। संकलन त्रय से आशय आपके लिए बताना है, क्या आशय है? काव्य, नाटक, कथा, समय, कार्य, स्थान, सत, रज, तम, दैविक, दैहिक, भौतिक, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। संकलन त्रय से आशय आपसे पूछा गया है, 37वां क्वेश्चन है और 37 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि संकलन त्रय से आशय है समय, कार्य, स्थान। विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का यहां पर जो है सही राइट आंसर होगा और सभी लोगों ने यहां पर सही राइट आंसर चयन किया है। राधिका जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 38 पूछा गया है, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? सरल क्वेश्चन है, प्रसाद है, जैनेन्द्र है, प्रेमचंद्र है या फिर मन्नू भंडारी है? आकाशदीप कहानी के लेखक आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 38
और 38 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि जय शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद आप सभी का विकल्प नंबर ए वाला जो है वह सही राइट आंसर होगा। आकाशदीप कहानी के लेखक पूछा गया जय शंकर प्रसाद जी माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से एक उपन्यास नागार्जुन का नहीं है, बताइएगा नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ या बलचनामा या सत्यवादी। 96 में चयन कीजिएगा ना, कहानी संग्रह है आकाशदीप जैन प्रसाद जी का, और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर। दीपक जी चयन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है और आप सभी का सही आंसर होगा 39 में विकल्प नंबर जो डी है वह सही आंसर होगा। कि देखिए उपन्यास नागार्जुन की नई पौध भी है, बाबा बटेश्वरनाथ भी है, बलचनामा भी है, सत्यवादी इनका उपन्यास नहीं माना जाता है नागार्जुन जी का, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों में से एक आत्मकथात्मक है, बताइएगा कौन सा है, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, भानुभट्ट की आत्मकथा या अनामदास का पोता। तो चयन करना है, लाइक अवश्य करते जाइएगा, लाइक में कोई कंजूसी नहीं करना है, यहाँ पर सभी लोग लाइक अवश्य करेंगे, सभी के यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं। और एक उपन्यास जो है आत्मकथात्मक उपन्यास माना जाता है द्विवेदी जी का, तो वह कौन सा माना जाता है, 40 में आप सभी का सही राइट आंसर है सी यानी कि भानुभट्ट की आत्मकथा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर की रचना 10 तस्वीरें हैं, ये विधा आपसे पूछा गया है, किस विधा की रचना है बताइए। मनीषा सिवी जी बिल्कुल चयन कीजिएगा, आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, क्या माना जाता है, किस विधा की रचना है 10 तस्वीरें। 10 तस्वीरें किन की, जगदीश की 10 तस्वीरें की पूजा करना है 10 तस्वीरों की, तभी जो है अपन एग्जाम में पास हो पाएंगे। तो 10 तस्वीरें किन की, जगदीश की, तो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, किस विधा की रचना है, तो आपका सही राइट आंसर रेखा चित्र, रेखा चित्र आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है, अगर तस्वीरें नहीं रख पाते हैं तो आप चित्र बना लीजिएगा, चित्र, तो रेखा चित्र आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। अजात शत्रु के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइएगा, हरिकृष्ण प्रेमी है, जयशंकर प्रसाद है, बालेंदु कुमार है या फिर राम कुमार वर्मा है, अजात शत्रु, और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर 42 में विकल्प नंबर, सभी लोग बता रहे कि बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, आजात शत्रु यानी कि आजात शत्रु, शंकर के पास आजात शत्रु, तो शंकर से जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे और अजात शत्रु इनकी रचना मानी जाती है जो कि अपन ने कई बार पढ़ी है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। लक्षिता जी बिल्कुल सही, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 43 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, बताइएगा कौन सा शब्द है, 43 का सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे, चयन कीजिएगा। अंजू लता जी बिल्कुल, लाइव क्लास रोज चलती है अपनी रात्रि में 10 बजे, मनीष जी और आप सभी का सही आंसर है कि एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है और वह अशुद्ध शब्द माना जाता है कौन सा, औदार्य, औदार्य आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 44वां क्वेश्चन है कि चमिया का हरबा अंग मिली अधिक सुहाए, समझी परे से हिये रे जब कुमलाए, इसमें छंद बताना कौन सा छंद है, इंद्र वज्रा है, सौरठा, बरवई, चौपाई, चयन कीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है देवव्रत जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 में विकल्प नंबर सी, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बरवई लगा दीजिएगा, इसमें छंद पूछा है तो बरवई छंद का प्रयोग किया गया है, विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 45 है, प्रसाद अपने किस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे? अधूरा उपन्यास आपके लिए बताना है प्रसाद जी का कंकाल है, तितली है, इरावती है या फिर संध्या है? सभी लोग बताएंगे प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा माना जाता है, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि अधूरा पूछा है, तो 45 में जो विकल्प नंबर सी दिया गया है इरावती, भाई आप सभी का सही आंसर है। इरावती किसका अधूरा उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी का। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, निम्नलिखित परिवर्तनों में से एक का संबंध भाषा विज्ञान विषय से नहीं है, बताइएगा वह परिवर्तन, बताना ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, बुद्धि परिवर्तन या रूप परिवर्तन, चयन कीजिएगा। ज्योति जी, समन जी, संगीता जी, क्या होगा सही राइट आंसर? इन परिवर्तनों में से एक का संबंध भाषा विज्ञान विषय से नहीं है, और आप सभी का 46 में सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि बुद्धि परिवर्तन। बुद्धि परिवर्तन का संबंध भाषा विज्ञान विषय से नहीं माना जाता है, विकल्प नंबर सी आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर 47वां क्वेश्चन है, रामा सीता या लक्ष्मण च सचित्रकूटतम अगच्छत, प्रस्तुत वाक्य में लक्ष्मण शब्द में विभक्ति आपके लिए बताना है, बताइएगा लक्ष्मण में आपके लिए बताना है कौन सी विभक्ति है, और आप सभी का सही आंसर है 47 में विकल्प नंबर, जिन्होंने भी चयन किया 47 का सी उनका यहां पर सही राइट आंसर होगा तृतीया। तृतीया आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर तीन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें विभक्ति पूछा था जो कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग इसमें किया गया। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपसे 48 पूछा गया है, बताइएगा गे है, नागार्जुन है, मोहन राकेश है, सुधांशु शर्मा है? क्या होगा सही राइट आंसर? तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर देवव्रत जी, बिल्कुल, तो सभी का सही आंसर आ रहा है 48 में एक वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। अज्ञे आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया यहाँ पर 49वां क्वेश्चन है, निरापद शब्द का अर्थ बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर? निरापद शब्द का अर्थ आपके लिए चयन करना है तन्मय जी, क्या होगा सही राइट आंसर? असुरक्षित, सुरक्षित, आपदाओं से घिरा या फिर बिना पैरों का? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है निशा जी, अंजलि जी, बिल्कुल सही विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 49 में जो सही राइट आंसर होगा वह बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, सुरक्षित, सुरक्षित होगा सही राइट आंसर। निरापद शब्द का अर्थ बताना है, बिल्कुल समन जी, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, निरापद का सुरक्षित आपका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 50वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर? चलिए सम्मिलित कर देते हैं, ये सूची एक है, सूची दो है, यहाँ पर कूट आपके दिए गए हैं, क्या होगा सही आंसर? और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर, क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए सम्मिलित कर देते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, यहाँ पर सम्मिलित करना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी मानी जाती है? देखिए विपात्र आप सभी का सही राइट आंसर होगा, गिरिजा कुमार माथुर धूप के धान, धर्मवीर भारती कनुप्रिया और नरेंद्र शर्मा पलासबन, बिल्कुल सही राइट आंसर है।
आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है तन्मय जी, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर जो कूट में आपका राइट आंसर होगा वह डी वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है दीपक जी। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी क्लास होती है रात्रि में 10 बजे। सभी लोग जो है इसी तरह से जो है जुड़िएगा, सभी लोग रोज रात्रि में मुनीष जी बिल्कुल हाँ राखी जी, तो बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किए थे और लाइक अवश्य कर लिया करें। पायल जी, आलोक जी, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं। रेनू मलिक जी, मनीष जी, पार्वती जी, लवली जी, अनिल जी और अनिल जी बिल्कुल और मनीषा, शिवी जी, दीपक जी, रश्मि जी, संजू जी, निशा जी, राजीव जी, प्रमोद जी, संगीता जी, साहित्योद्यान जी, अंकित अवस्थी जी, तनु जी, सरोज शिवी जी और यहाँ पर प्रीति जी, अंजू लता जी और मंजू जी, छवि जी, पुष्पा जी, पार्वती जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा गिल जी, प्रमोद जी और पूनम जी, क्रिएटिव आर्ट्स जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, साहित्योद्यान जी, छवि शंकर जी, समन मिश्रा जी, रामवीर जी, भारद्वाज जी, मनीषा जी, फाइम जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जो है जुड़िएगा आलोक नवल जी और सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर संगीता जी जो है क्लास में आपके लिए लाए जाते हैं। तो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशा जी, पुष्पा जी और सभी के लिए शुभ रात्रि, लवली जी और सभी